हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप बताइए किस किस ने यहाँ पे दोस्तों पचा यहाँ पे पैसा बनाया है अच्छा खासा। दोस्तों मैंने बनाया यहाँ पे कल आराम से, BTST आया था दोस्तों, हमको यहाँ पे ट्रिगर भी आया था कल मेरे यहाँ पे कि भाई 3:26 पे BTST ट्रिगर हुआ सुबह सुबह। दोस्तों यहाँ पर मैंने BTST दोनों में किया, निफ्टी बैंक निफ्टी, और सुबह सुबह दोस्तों 9:16 पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग किए दोस्तों आराम से। ये गैप अप दोस्तों जिस दिन हमको ढूंढना आ गया ना, हम लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर आ जाएंगे दोस्तों, बन जाएंगे यहाँ पे। कभी कभी ये पैटर्न बनता है तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा दोस्तों। डोजी बनी थी बैंक निफ्टी में कल। दोस्तों पुरानी हिस्ट्री को मैं क्यों बताता हूँ दोस्तों, इसलिए बताता हूँ कि हिस्ट्री से ही हम लोग लर्निंग करते हैं कि भाई क्या हुआ। देखो कल डोजी बनी और डोजी बनने के बाद उसने एकदम से गैप अप दिया। तो दोस्तों अब ये देखो यहाँ भी डोजी बनी है, कल रेडी हो जा दोस्तों एक बड़े मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब मूवमेंट कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा वही हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग अब बात करेंगे दोस्तों जो स्टॉक मैंने आज दिए थे उनका परफॉर्मेंस भी देख लेते, फिर हम लोग कल के लिए बैंक निफ्टी निफ्टी कैनालिसिस करेंगे, साथ ही चार्ज जो डेली में आप लोग प्रॉफिटेबल स्टॉक्स लेकर आता उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे Zomato दिया था दोस्तों, बिल्कुल एंड मोमेंट पे एक्टिवेट हुआ और एक्टिवेट होकर उसने यहाँ पर ₹108 का कुछ टारगेट दिया था दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल सटीक उसने ₹108 से यू टर्न मार लिया। तो बिल्कुल सटीक एनालिसिस बैठी दोस्तों हमारी यहाँ पे Zomato के पीछे। मैं बोल रहा था पिछले 3 दिन से दोस्तों मैं Zomato के पीछे पड़ा हुआ था, बिल्कुल Zomato वालों की तरह जैसे हमारा Zomato डिलीवर बॉय अपनी व्हीकल भगाते हैं दोस्तों, उसी तरह हम भी बिल्कुल पीछे पड़े हुए थे, बिल्कुल छोड़ा नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पर छोटा सा मूवमेंट आया दोस्तों, लेकिन 1% का उछाल मारा। मेरा टारगेट इसमें और भी बड़ा है दोस्तों, कल अगर दोस्तों यहीं कहीं ओपन होता है तो कल भी इसमें हम लोग, मैं कल के स्टॉक्स में डिस्कशन करूंगा, कल भी इसमें हम पोजीशन बना सकते हैं। सेकंड था दोस्तों कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा हमारा प्रॉपर भाई यहाँ पर Zomato एक बार दिखाया दोस्तों, जब एक्टिवेट हुआ था तो यहाँ पे हमको अलर्ट भी आना चाहिए बिल्कुल, पर 3:04 पे ऑटो अलर्ट आया कि ट्रेडिंग लाइन को ये देखो दोस्तों 3:04 दोस्तों। इस तरह टेलीग्राम पे आपको अलर्ट आ जाते जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है कोटक बैंक। दोस्तों कोटक बैंक में इसने मार्केट बहुत बिल्कुल सही, बिल्कुल हमारी सटीक एनालिसिस थी, नीचे खुला उसके बाद उसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद उसने सीधा हमारा जो टारगेट था आराम से दोस्तों एक बड़ा टारगेट यहाँ पे अचीव करके दिया है। थर्ड स्टॉक था दोस्तों टाटा स्टील। टाटा स्टील में भी दोस्तों बिल्कुल Zomato जैसी कहानी हुई, हम काफ़ी दिन से पीछे पड़े हुए थे, आज एक्टिवेट हुआ। अभी दोस्तों इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म हम लोग रख सकते हैं, एक्टिवेट होकर उसने ½% मूवमेंट दिया क्योंकि दोस्तों इतना लेट एक्टिवेट हुआ। और हालांकि इसने डाउन डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो थोड़ा सा इसमें स्लो मूवमेंट आता है। तो अभी हमारा एक ₹120 कुछ था टारगेट, जो कि अभी यहाँ पर ये जो ये दिख रहा है दोस्तों मंडे का हाई यहाँ पर हमारा टारगेट है। तो लेट्स सी दोस्तों, अभी भी इसमें ले सकते हैं एंट्री बिल्कुल आराम से, 2120 ये वाला, तो यहाँ पे हम एंट्री बन सकती है दोस्तों आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन नहीं होता है तो नीचे होता है तो फिर से हम एक बार इसमें एंट्री कर सकते हैं। टाटा मोटर्स दोस्तों ये एक्टिवेट नहीं हुआ, ऊपर की तरफ भी नीचे थे। तो चलिए फ्रेंड कल के स्टॉक के बारे में बात कर लेते दोस्तों, फिर से हम बात चालू करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी मैंने जैसा बोला कल भी डोजी बनी थी, आज भी डोजी बनी, कल ग्रीन डोजी बनी थी आज रेड डोजी बनी दोस्तों। तो हम सीधा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन उठा लेते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कल के और आज में डिफरेंस ये है कि कल जो थी कंसोलिडेशन थी वो छोटी सी थी, यहाँ पे कंसोलिडेशन बड़ा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर हम जब भी ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हर कोई ड्रॉ करेगा, लेकिन दोस्तों आंखों पे थोड़ा सा जोर डाल के मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही आसानी से नहीं दिखती, और वो चीज़ ये है ये दिख रहा है दोस्तों प्री ओपन मार्केट। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, ये फेक ब्रेकआउट होने के पूरे पूरे चांसेस है दोस्तों इसमें। तो अब मैं क्या करता हूँ इस लाइन को हटाकर इस लाइन को थोड़ा ओरिजोनटल लाइन ले लेता हूँ फिलहाल में, एक मिनट इसको डिलीट करता हूँ। ओरिजोनटल लाइन को मैंने यहाँ लगाया था, यहाँ नहीं लगाना दोस्तों, हमको लगाना इसके ऊपर यहाँ। अब कल दोस्तों इसका अगर ब्रेकआउट करता है यहाँ से कहीं भी मार्केट ओपन हो ठीक है ओके, तो ये तो होगी सपोर्ट लाइन नीचे वाली, ये तो इसको मैं एज इट इज़ दोस्तों बढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा हम ऐसा कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा इसमें यहाँ पे सपोर्ट लाइन हो गई। अब मेन जो हमारी ट्रेडिंग लाइन रहेगी दोस्तों ये रहेगी, ठीक है। इसको ब्रेकआउट करने दो, जैसे किया हमारा आराम से यहाँ पे कॉल की अपॉर्चुनिटी बन जाती है दोस्तों। मैं यहाँ पर वो भी लगा देता हूँ अलर्ट क्रॉसिंग अप ओरिजेंटल लाइन, क्रॉसिंग अप हो गया। तो आपको टेलीग्राम पहले ड्राइव दोस्तों, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन डिटेल दिए किस तरह आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये रहा भाई निफ्टी का जो था गैप ओपन हुआ, मैंने ₹10,000 बने दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ जिस दिन आ गई दोस्तों, कभी क्या होता है प्रॉफिट बनते तो हम लोग एक अलग ही हैप्पीनेस आती है, क्यों आती है प्रॉफिट बना उसकी तो हैप्पीनेस होती है, साथ में हमको लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है। दोस्तों जनरली क्या करते हैं हम लोग भाई, मिस्टेक से कम सीखते, हमारी सफलता से हम लोग ज़्यादा इंस्पायर होकर सीखने की कोशिश करते हैं। मिस्टेक हो गई अरे छोड़ो यार,
फिर छोड़ो, लेकिन हमको एक अचीवमेंट मिला है दोस्तों। क्या किया था मैंने, अचीवमेंट मिला दोबारा फिर से वो चीज़। तो वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है दोस्तों, यहाँ पे हमको अचीवमेंट मिला तो हम लोग फिर से देखेंगे दोस्तों क्या हुआ था। तो यहाँ पर फिर से हम लोग कल एक हमारा ये रहा ट्रेंड लाइन, इसको मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा है दोस्तों, कल इसको ब्रेकआउट करेगा आराम से दोस्तों हमारा, यहाँ पे सी बाई करके हम लोग चल सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड, फर्स्ट स्टॉक HDFC बैंक, ये रहा दोस्तों HDFC के लेवल, बाई साइड के लेवल, ये रहे शॉर्ट सेल साइड के, यहाँ पर बिल्कुल मिडिल पे खड़ा है फ्रेंड्स। यहाँ पर अब किधर भी खुलेगा गैप अप गैप डाउन हमें मतलब नहीं, जहाँ भी खुलने इसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा हमारा कॉल एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद ही एंट्री लेना है दोस्तों। Zomato जो दिया था अभी भी दोस्तों बोलता हूँ उसमें काफ़ी पोटेंशियल है, अगर थोड़ी देर इस लाइन के ऊपर सस्टेन करता है तो हम इसको आराम से एक दो दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। 1% आराम से टारगेट निकाल के दे देगा इंट्राडे वालों को, BTST वालों को भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। कल फ्राइडे है दोस्तों, तो नहीं बोलता कि यार घर लेके जाओ, इंट्राडे करके ख़त्म करो इसका, ठीक है। अब चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टॉक की, टाटा मोटर्स दोस्तों। एक्टिवेट नहीं हुआ था जो ऐसा मैंने बोला, यहाँ पर टाटा मोटर्स को हम लोग फिर भी रख सकते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छा दोस्तों पैटर्न बन रहा, हालांकि इसको मैं सिमेट्रिकल ट्रेंगल बना सकता हूँ, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा खुजली नहीं यार कि कॉल नहीं निकल रहा है तब भी जबरदस्ती निकालना है। ये देखो दोस्तों, ये एक थोड़ा सा जल्दी हो सकती है, लेकिन हमें नहीं जल्दबाजी हुई, एक्टिवेट प्रॉपर होने दो तभी हम लोग यहाँ पे कॉल निकालेंगे। ये था टाटा मोटर्स दोस्तों, अलर्ट लगा के रखे हुए, टेलीग्राम ज्वाइन करना हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको ऑटो अलर्ट आ जाते हैं। टाटा स्टील, इसमें दोस्तों मैंने बताया था आपको टाटा स्टील अभी भी दोस्तों यहाँ ये लाल वाला टारगेट है, तो अभी भी यहीं कहीं खुलता है इस लाइन के ऊपर थोड़ी सस्टेन करता है, तो इंट्राडे के लिए हम लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी एनालिसिस अगर अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक किया करें, और नए अगर पहली बार इस वीडियो में आए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करके आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो लेकर आता हूँ। सो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।